नमस्कार दोस्तों, मैं मोहित स्वागत करता हूं आपका मोहित टेक्निकल साइट पे। आज मैं इन्फॉर्मेशन देने वाला हूं, इग्नू वाले स्टूडेंट्स के लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट नोटिफिकेशंस निकल कर आ रहे हैं। काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है आपके एग्जाम से रिलेटेड, जो आपके जून में एग्जाम्स होने वाले थे उससे रिलेटेड काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। और साथ में अपडेट आपके रिजल्ट से रिगार्डिंग, जिन भी बच्चों का जो दिसंबर का जो रिजल्ट था उससे रिगार्डिंग भी काफ़ी इंपॉर्टेंट अपडेट है। तो वीडियो को पूरा जरूर से देखते रहें। तो चलिए वीडियो को शुरू कर लेते हैं। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो पहले चैनल को सब्सक्राइब कर लें और साथ में बेल आइकन को भी जरूर से प्रेस कर दें और अपने दोस्तों के साथ भी शेयर कर दें ताकि उन तक भी इंपॉर्टेंट इन्फॉर्मेशन पहुंचती रहे और वीडियो को भी लाइक कर दें। और अब बात कर लेते हैं जो आपके नोटिफिकेशन रिलीज हो रहे हैं। तो सबसे पहले बात करते हैं जो दिसंबर के स्टूडेंट्स हैं उनके रिजल्ट के बारे में। जैसे कि आप सब यहाँ पर देख पा रहे हैं, जो दिसंबर का जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट था 2020 का वो डिक्लेयर हो चुका है। जैसे कि कुछ बच्चों का जो रिजल्ट का अनाउंसमेंट नहीं हुआ था, कुछ बच्चों का रिजल्ट रह गया था दिसंबर का, तो वो धीरे धीरे करके जो है अनाउंस कर रहे हैं, धीरे धीरे करके आपका रिजल्ट जो है निकाल रहे हैं। जैसे कि आप देख सकते हैं यहाँ पर 2 जुलाई का स्टेटस है, आज ही मतलब आज के दिन जिन भी बच्चों का रिजल्ट जो है डिक्लेयर हुआ है उन सबका रिजल्ट जो है यहाँ पर शो होगा। जिन भी बच्चों का अभी तक रिजल्ट नहीं आया वो यहाँ पर जाकर जरूर से चेक करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। और अगला जो रिजल्ट है वो रीवैल्यूएशन का है। जो दिसंबर के स्टूडेंट्स है उन्होंने रीवैल्यूएशन के लिए जो अप्लाई कर रखा था तो उनका जो रिजल्ट है वो भी आ चुका है। वो भी आप यहाँ पर देख सकते हैं, जो स्टेटस है वो 2 जुलाई का है। 2 जुलाई के स्टेटस में आप यहाँ पर पता कर सकते हैं अपने एनरोलमेंट नंबर डाल के और सबमिट करके, आपका यहाँ पर रीवैल्यूएशन का जो है रिजल्ट सामने आ जाएगा। ये जो इग्नू की तरफ से धीरे धीरे रिजल्ट जो है अपना अनाउंस करता जा रहा है, धीरे धीरे रीवैल्यूएशन का या फिर नॉर्मल जो टर्म एंड एग्जामिनेशन का जो रिजल्ट है दिसंबर का वो धीरे धीरे अनाउंस कर रहा है। तो जिन भी बच्चों ने अपना रिजल्ट नहीं देखा था अभी तक कोई सा भी, तो जरूर से जाके चेकआउट करें, लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, वहां से जाके आप चेकआउट जरूर से करना। अब बात कर लेते हैं जो इग्नू के जून के एग्जामिनेशन से रिलेटेड है कि आपको प्रमोशन मिलेगा, क्योंकि कई बार ये क्वेश्चन करा जा रहा है, कई जो खबरें निकल कर आ रही है इग्नू के अंदर से कि हाँ भाई आपको प्रमोशन मिलना चाहिए। काफी बातों से ये पता चल रहा है, फेसबुक पेज पर लाइव आकर जो बोलते हैं कि उनकी तरफ से कि आपको जो है इस बार प्रमोशन मिल सकता है। तो सारी इन्फॉर्मेशन जैसे कि मैंने आपको पिछली वीडियोस में भी बता रखी है, जो उनका लाइव वीडियो के बारे में मैंने सारी इन्फॉर्मेशन आपको समझाई थी, उनमें भी ये बोला गया था कि आपको जो है इस बार भी प्रमोशन मिल सकता है। सिर्फ प्रमोशन मिलेगा तभी जब आपको जो है इस बार की भी जो सिचुएशन है वो खराब रहेगी, मतलब जैसे पिछले साल रही थी कोरोना की वजह से बहुत ज्यादा सिचुएशन खराब थी। आप एग्जाम तो क्या आप बाहर नहीं निकल सकते थे, आपको पूरा तरीके से लॉकडाउन लगा हुआ था, तो इन केसेस में आपके जो है एग्जाम्स कराने मुश्किल थे। और जैसे कि आप देख सकते हैं फिर से जो है 2-3 दिन से जो आपके केसेस जो है फिर से बढ़ने लगे हैं। जैसे कि आप देख पा रहे हैं फिर से सारे केसेस बढ़ रहे हैं और इन केसेस के बढ़ने की वजह से जो है फिर से आपको जो है दिक्कत आ सकती है। तो इस हिसाब से जो है इस बार भी इसलिए उन्होंने कहा कि जो स्टूडेंट्स हैं उनको जो है प्रमोशन इस बार भी मिल सकता है। स्टूडेंट्स को प्रमोशन किन किन को मिलेगा, जो फर्स्ट ईयर और सेकेंड ईयर वाले स्टूडेंट्स हैं उनको प्रमोशन मिल सकता है। तो मोस्टली जो है इस बार जो प्रमोशन का जो क्राइटेरिया होगा वो आपके एग्जाम फीस और असाइनमेंट रखना चाहिए। इन्हें असाइनमेंट के बेसिस पे आपको पास करना चाहिए, उन्हीं के बेसिस पे आपको जो है मार्क्स मिलने चाहिए, तभी आपका जो है आसानी से रिजल्ट डिक्लेयर हो पाएगा। प्रमोशन के बेसिस रखे जाएंगे मोस्टली, सबसे पहला आपका असाइनमेंट हो गया, दूसरा आपका हो गया एग्जामिनेशन फीस जिसके बेसिस पे आपका होल टिकट रिलीज होता है, तीसरा हो गया आपका री रजिस्ट्रेशन फॉर्म। अगर आपने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा तो उसे भी जरूर से जाके करें, क्योंकि जिन भी बच्चों ने री रजिस्ट्रेशन नहीं करा फर्स्ट ईयर और सेकंड ईयर वालों ने, तो उनको जो है थर्ड ईयर में एडमिशन कैसे मिलेगा, उन्हीं के बेसिस पे जो है उनको एडमिशन मिलता है नेक्स्ट ईयर के लिए और उन्हीं के बेसिस पे उनको प्रमोशन मिलता है। जो स्टूडेंट्स है जिनका एग्जाम नहीं हुआ था तो उनको भी जो है प्रमोशन मिला था लास्ट ईयर। आप देख सकते हैं कुछ बच्चों का एग्जाम कराया गया था और कुछ बच्चों का एग्जाम नहीं कराया गया, आपके प्रमोशन दे दिया गया था। तो मोस्टली इस बार भी लगता है कि प्रमोशन मिलने के ज्यादा चांसेस हैं। यहाँ पर आप देख सकते हैं ज्यादातर क्यों ऐसा लग रहा है, क्योंकि ये बार बार जो है एक्सटेंड करे जा रहे हैं डेट को। जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं एग्जाम फॉर्म की डेट भी एक्सटेंड होकर 9 जुलाई कर दी गई है। उसके बाद आप देख सकते हैं जो आपके सबमिशन ऑफ फाइनल प्रोजेक्ट है, फील्ड वर्क है, उसकी डेट भी बढ़ाकर 15 जुलाई कर दी गई है। और साथ में जो आपकी मेन चीज है कि आपके असाइनमेंट्स की और प्रोजेक्ट रिपोर्ट्स की सबकी जो डेट है वो एक्सटेंड कर दी गई है, वो 15 जुलाई कर दी गई है। यहाँ पर आप सारी इन्फॉर्मेशन देख सकते हैं। यहाँ पर भी आप देख सकते हैं कि री रजिस्ट्रेशन की डेट भी बढ़ाकर जो है 15 जुलाई कर दी गई है। जैसे जैसे उनकी तरफ से डेट एक्सटेंड होती जाएगी वैसे वैसे ज्यादा से ज्यादा चांसेस बढ़ते चले जाएंगे आप सबके लिए प्रमोशन जो है ज्यादा से ज्यादा हो सकता है। और यहाँ पर एक और इम्पोर्टेंट बात मैं आपको बता दूं कि जिन भी बच्चों ने एडमिशन लेना चाहते हैं इग्नू में, उसकी जो लास्ट डेट इन्होंने 15 जुलाई रखी है, ये भी एक्सटेंड होगी, कम से कम आपके अगस्त और सितंबर तक जाएगी आपकी जो है डेट। तो दोस्तों आपको वीडियो कैसी लगी, यार वीडियो अच्छी लगी तो यार वीडियो को लाइक कर देना, अपने दोस्तों के साथ शेयर कर देना, चैनल को सब्सक्राइब कर देना, ताकि इग्नू की तरफ से जैसे ही और भी कोई नई अपडेट आती है मैं आप तक तुरंत से पहुंचाऊंगा। तो दोस्तों वीडियो को पूरा देखने के लिए धन्यवाद। जय हिंद।